हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे रिलेशन क्या होता है फोर्स और एक्सेलरेशन के बीच में। आपने दोनों टर्मों को सुना होगा, आज हम इसको एलेबोरेट करते हैं कि दोनों में रिलेशनशिप क्या होता है। तो इसको समझने से पहले हमें न्यूटन का लॉ समझना पड़ेगा। न्यूटन का लॉ क्या बोलता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर यूनिफॉर्म मोशन में है या रेस्ट में है, वो अपनी स्टेट चेंज नहीं करेगा जब तक कि उसके ऊपर कोई नेट एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होती है। तो इसका मतलब क्या है कि मान लो ये धरती का सरफेस है, इसमें कोई ऑब्जेक्ट पड़ा है जिसको हम बोलते हैं बॉक्स। अगर ये रेस्ट पोजीशन में पड़ा हुआ है, अगर इस पर कोई भी नेट एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही, तो ये रेस्ट पोजीशन में ही पड़ा रहेगा। अब देखिए कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट धरती के ऊपर पड़ा हुआ है रेस्ट पोजीशन में, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसके ऊपर फोर्स नहीं लग रही है। इस पर कई तरह की फोर्स लग रही होंगी, जैसे होगा फ्रिक्शनल फोर्स होगी, ग्रेविटेशन पुल होगी जो कि हमें सभी डायरेक्शन में इक्वली खींचेगी, क्योंकि धरती भी हमें खींच रही है, अदर ऑब्जेक्ट भी हमें खींच रहे हैं। तो क्या होगा, इसकी जो नेट फोर्स होगी वो जीरो होगी, इसलिए यह स्टेबल पोजिशन में पड़ा हुआ है। तो मान लो कि अगर हम एक डायरेक्शन में से ज़्यादा इसको फोर्स लगाते हैं, तो क्या करेगा ये बॉक्स मूव करना स्टार्ट होगा। तो इसकी जो वेलोसिटी में रेट ऑफ चेंज आएगा, उसको बोलेंगे हम एक्सेलरेशन। ये एग्जांपल हो गई अगर तो वो स्टेबल कंडीशन में है। अगर मान लो कोई मूविंग साइकिल है, उसकी जो स्पीड है वो 7 किलोमीटर पर आवर है, तो अगर उस पर हम और फोर्स लगाते हैं तो इसकी स्पीड जो है 9 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। तो जो दोनों में जो डिफरेंस है 2 किलोमीटर पर आवर का, इसको बोलेंगे हम एक्सेलरेशन। तो अभी आपको ये तो पता चल गया होगा कि जो फोर्स लगाने से एक्सेलरेशन में चेंज आता है। तो अगर हम फोर्स को डिफाइन करें, तो फोर्स क्या होगी, ये एक तरह की इंटरेक्शन होगी ऑब्जेक्ट के साथ जो उसकी स्टेट को चेंज कर रहा है। तो अगर हम एक फार्मूला देखें, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, तो इसका मतलब है कि जो एक्सेलरेशन है वो फोर्स के ऊपर डिपेंडेंट है, बट जो एक्सेलरेशन है वो मास के ऊपर भी डिपेंडेंट है। मैं बताता हूँ कैसे। देखिए, अगर दो ऑब्जेक्ट की हम एग्जांपल लें, एक छोटा ऑब्जेक्ट है एक बड़ा ऑब्जेक्ट है, तो हम उस पर इक्वल फोर्स अप्लाई करते हैं, तो जो छोटा ऑब्जेक्ट होगा इसकी एक्सेलरेशन ज़्यादा होगी और जो बड़ा ऑब्जेक्ट है इसकी एक्सेलरेशन कम होगी, चाहे फोर्सेस दोनों पे इक्वल लग रही हैं। तो देखिए एक्सेलरेशन क्या होता है कि एक्सेलरेशन फोर्स के ऊपर भी डिपेंड करती है और मास ऑफ ऑब्जेक्ट के ऊपर भी डिपेंड करती है। सो होप नाउ यू अंडरस्टैंड कि फोर्स और एक्सेलरेशन में क्या रिलेशनशिप होता है। सो थैंक यू वेरी मच।